हानिया क्यों होता है, किन लोगों को होता है? जी विशाली जी, ऐसा है, हर्निया इज अ मैनिफेस्टेशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होती हैं, जो पेट का प्रेशर होता है और जो मसल वीकनेस होती है। ये दोनों जो है ये बेसिकली कंबाइन करके हर्निया को डेवलप करती हैं। जब आपके पेट के अंदरूनी प्रेशर के वजह से मसल का कोई भी डिफेक्ट या मामूली सा मसल स्ट्रेच या डिफेक्ट हो जाए, उस चीज के थ्रू एक हर्निया डेवलप होती है। हर्निया एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब हर्निएशन कमिंग थ्रू, मतलब समथिंग कमिंग थ्रू अ पार्ट इज कॉल्ड हर्निएशन। तो जनरली ये पाया जाता है जो बहुत ओबीस लोग हैं, जिनमें एब्डोमेन का जो स्ट्रक्चर है, जो गोलाई है वो खत्म हो जाती है, जो मसल है वो टोन खत्म हो जाती है। कुछ हद तक प्रेगनेंसी जो पेट फूल जाता है, मल्टीपल सर्जरीज जिनकी हो जाती हैं, मसल वीकनेस आ जाता है। आदमियों में इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं उसे, जो ग्रॉइन एरिया के आसपास होता है। जो बड़े लंबे पुरुष हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग वेट उठाते हैं, लेबरर्स हैं, या आप जिम बिना बेल्ट के कर रहे हो, या कोई भी मशीनरी टूल्स, बहुत हैवी वेट्स उठा रहे हैं और आपकी मसल वीकनेस हो रही है, तो इन सारे एब्डोमेन के मसल्स के थ्रू हर्निया निकलती है। इसे हर्निया कहते हैं, जो एक प्रोट्रूजन है, वीकनेस है मसल की। और जो कंटेंट होता है इस हर्निया का, ये पेट का कंटेंट होता है, जो अंदर पेट में इंटेस्टीन्स होती है हमारी, पेट का फैट या ओमेंटम बोलते हैं, वो इस हर्निया के थ्रू निकलता है। हर्निया के बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। बेसिकली हर्निया टेक्निकल बोलने के लिए हर्निया है, बट 8 और 9-10 प्रकार के हर्निया है। फीमेल्स के लिए अलग, मेल में भी अलग होते हैं, और हर्निया के ग्रेड स्टेजेस भी अलग होते हैं। और कुछ हर्निया ऐसे हैं जो कभी भी जानलेवा भी होती हैं, इनफैक्ट बिकॉज दे बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। जो इंटेस्टीन्स हैं वो पेट के बाहर लटक रही है और अंदर नहीं जा रही, तो हमें इंटेस्टीन्स को भी काटना पड़ता है ऐसे सर्जरीज। सो नाउ आपने जो बताया कि हर्निया का टिपिकली जब तक पेन नहीं होता तो लोग रह सकते हैं, लेकिन इमीडिएट एडवाइस एज अ डॉक्टर टू अ पेशेंट, इवन जिनको पेन नहीं है, आप क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं? जी देखिए, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट फॉर अ हर्निया पेशेंट इज नेवर डिले। चाहे कोई फिजिशियन बोले, चाहे रिलेटिव्स बोले, हर्निया एक ऐसी चीज है, आप जितना छोड़ेंगे उनको वो हर्निया उतना बड़ा डिफेक्ट होता है। बेसिकली डिफेक्ट, मान लो 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है, जैसे जैसे टाइम और बढ़ता जाता है तो ये जो हर्निया डिफेक्ट है बड़ा हो जाता है। इस बड़े हर्निया के थ्रू इंटेस्टीन्स बाहर आ जाती हैं, एंड दे कैन कॉम्प्लिकेट द होल लाइफ फॉरएवर टू बी दिस थिंग। सो पेन इज नॉट द इशू, पेन इज द वर्स्ट सिम्टम व्हिच यू विल वेट फॉर। इसमें पेन होता नहीं है, पेन तब होता है जब ये हर्निया बहुत हद तक कॉम्प्लिकेट हो गई है, तो पेन होता है। तो हम उस हद तक ना वेट करें कि जब तक वो लास्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेट होके पेन हो जाए। हर्निया डेवलप होने के लिए एक बल्ज फील होती है, आपको एक उभार फील होता है स्टमक के ऊपर या ग्रॉइन एरिया में, तो आप तुरंत एक अपने फिजिशियन को जाके दिखाएं या सर्जन जो भी है उनको दिखा दें, ताकि उनको अगर लगे, एक आशंका है आपको कि मेरा ये आकार जो है, जो पेट का आकार है वो उसमें कुछ उभरा हुआ है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप दिखा दें। फिजिशियन अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें हर्निया आएगा। उसके बाद हर्निया का स्पेशलिस्ट सर्जन ही होता है, ना कि फिजिशियन। इसकी कोई दवाई नहीं होती, इसके कोई एक्सरसाइजेस नहीं होते, ये जो बेल्ट आते हैं इनको भी ना पहने, कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई योग एक्सरसाइज नहीं होता मसल को टाइट करने के। वो जो एक बार हर्निया डेवलप हुआ है वो हमेशा ही रहेगा, और वो स्टेजेस में जाके बढ़ता। डॉक्टर ये बताइए, आप क्या हर्निया उसी जगह पे दोबारा आ सकता है या किसी और? जी बहुत सारे ये क्वेश्चंस आपके बहुत वैलिड हैं, क्योंकि मैंने कुछ सर्जरीज ऐसे की हैं जो हम रेकरेंट या रीडू हर्निया कहते हैं। नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीबडी, बट द टेक्निक व्हिच यू यूज, द टाइप ऑफ मेश यू यूज, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज यू आर डूइंग, एंड हाउ रिलेटिवली ट्रेन्ड यू आर इन हर्निया सर्जरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट फॉर द पेशेंट। सो मान लीजिए अगर कुछ सर्जरीज नॉट इन द अर्बन सिनारियो, मे बी फ्रॉम अ विलेज सिनारियो, फ्रॉम अ PHC सिनारियो, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन tier 3 town सिनारियो, इफ द सर्जरी हैज बीन डन एंड द हर्निया हैज बीन रिपेयर्ड, एंड आई गेट लॉट ऑफ पेशेंट्स हु कम फ्रॉम Patna, आई गेट फ्रॉम Allahabad, from Ahmedabad and Delhi NCR also, and sometimes from the urban hospitals that we've undergone the surgery, but after 6 months I can still feel the bulge and the hernia is causing a problem. So yes, it can recur depending on the technique and the expertise of the surgeon, but the recurrence it is there. It is predominantly there for about 2% of the chance. Pregnancy में काफी hernia के chances भी होते हैं because you talked about obesity वगैरह वगैरह. तो pregnancy में जब in the middle of the pregnancy आ जाता है तो it's something that obviously any mother would be extremely stressed out about. तो इसमें क्या किया जाता है? So basically, pregnancy में अगर hernia develop होता है, it is not interfering with your pregnancy, it is not life threatening. और छोटा सा hernia है, वो generally pregnancy वाले जो hernias हैं, वो नाभि में ही निकलते हैं, इसे umbilical hernia कहते हैं, जो protrusion से आता है. So by and large, it doesn't interfere with your pregnancy. बहुत rarely, कभी-कभी, अगर जैसे multiple cesareans हो गए हो, 2 cesarean हो गए हो, और आप pregnant हो, तो उस समय cesarean के scar में hernia अगर आता है, intestines आती हैं, तो बहुत रेयरली हम ऑपरेट करते हैं, वो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिसमें हम हर्निया को ऊपर ही ऊपर, हम बिना लैप्रोस्कोपी किए हम ऊपर ही ऊपर इस हर्निया को डिफेक्ट को वो ठीक कर देते हैं. बट एज आई सेड, इट्स अ वेरी रेयर प्रेजेंटेशन ऑफ हर्निया सर्जरी एंड प्रेगनेंसी. आइडियली वी वुड टेल द पेशेंट टू फिनिश ऑफ विद द प्रेगनेंसी, गेट हेल्दी इन अ मंथ्स टाइम, एंड देन वी कैन डू द सर्जरी अगेन. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैमहेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.